हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। क्लास आज का टॉपिक है जी फ्रैक्शन। स्टूडेंट, हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी फ्रैक्शन के ऊपर, वो वीडियो और ये वीडियो, अगर आपने दोनों वीडियो को क्लियर कर लिया तो आपके कम से कम 80% फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन है वे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इन्हीं दो वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि जो फ्रैक्शन की हमारी जो यूनिट है, एक्सरसाइज है, वे बहुत ही आसान है। ठीक है, इस वीडियो को आप बहुत अच्छी तरह देखें और समझने के बाद में एक बार रफ कॉपी पे निकाल निकाल के देख लें जो आपको बताया गया, समझाया गया, कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो उसे एक बार रफ कॉपी पे अपना आप निकाल के देखें। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर दोबारा वॉच करें और दोबारा समझें। ठीक है, या स्टूडेंट आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई चीज़, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, देखिए अब है जी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कहते हैं समतुल्य भिन्न, समतुल्य। इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्वल से बना है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक जैसा, सेम रूप, समरूप, है ना, जो देखने में बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई दे, है ना, उसे कहते हैं इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबर। देखिए इक्वल का मतलब होता है बराबर, है जी, ई क्यू यू ए एन, इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबर, जो एक जैसे हों, समान है। ठीक है जी, इफ वी कैन डिवाइड और मल्टीप्लाई, अगर हम बाई द न्यूमिनेटर एंड द डेनोमिनेटर, अगर हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, यानी कि जो फैक्टर है उनका एलसीएम है उससे डिवाइड करते हैं, दोनों का जो एलसीएम होता है, जो न्यूमिनेटर है और डेनोमिनेटर है, इन दोनों का एलसीएम लेकर जो फैक्टर आता है इनका, अगर उससे हम डिवाइड करते हैं दोनों को एक ही नंबर से, है ना, और दोनों को एक ही काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है हमारा वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। ओके स्टूडेंट, डेनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बाय द सेम फैक्टर और काउंटिंग नंबर, वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए मान लीजिए आपने यहाँ लिख दिया 10/20 लिख दिया, है ना, आप इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, है ना, तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगी अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें 10/20 का, तो स्टूडेंट 10 आ जाएगा। अब इस 10 से हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 10 × 10 जी, 10 × 20, तो ये 1/2 जो है वो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 10/20 की। ठीक है जी, अगर आप ये तो है एचसीएफ के द्वारा, और इसे ही स्टूडेंट लोएस्ट टर्म में करना भी कहते हैं, है, हमने लिखा है लोएस्ट टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म और रिड्यूस। रिड्यूस माने कम करना, लोएस्ट माने यानी कि सबसे छोटे रूप में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म है वो भी यही होती है और ये इक्विवेलेंट भी यही है। या फिर स्टूडेंट देखिए अगर हम कोई डिजिट है 5/3/5 है और इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं, एक क्वेश्चन आता है इसमें जो फ्रैक्शन दी गई है उन्हें लोएस्ट टर्म में लिखो या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो या उन्हें रिड्यूस कर दो, है ना, तो तीन एक क्वेश्चन एक ही है और नाम तीन है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वही लोएस्ट टर्म होता है, वही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वही रिड्यूस होता है। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो लोएस्ट टर्म नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम उसे बढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लाई का मतलब भी बड़ा करना होता है। तो जैसा ये है 5/3, इसने किसी ने कह दिया भाई इसकी तीन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, है ना, पहले तीन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, तो हम क्या करेंगे इसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10,
तो जो ये आंसर आया 6/10 ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसके, ठीक है जी। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम दो तरीके से निकाल लेते हैं और दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, अगर आपसे ये करना आ गया तो आप इन्हें कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई वाले में तो वह काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई होती चली जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है इनसे मल्टीप्लाई हो जाती है, और इसमें 80 अप लेकर उससे 80 अप से जो दी हुई डिजिट होते हैं उन्हें डिवाइड कर देता है, ये आंसर। तो समझ में आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगी। एक बात हुई, अगर कह रहा है कि बताइए क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्वेश्चन कर दिया 3/6 और 2/8 क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो आप क्या करेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो जिससे मिल गया उसकी मल्टीप्लाई उसमें होगी। 3/8 से मिला था, 2/6 से मिला था, तो 8 3 = 24 और 6 2 = 12। तो स्टूडेंट देखिए दोनों आंसर अलग अलग हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा नो, इक्विवेलेंट नहीं है। अगर दोनों का आंसर 24 या 12 ही आता तो यह हो जाता इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 12 होता, 2 के साथ में यहाँ पे 12 होता तो यहाँ पे 24 आ जाता, तो दोनों इक्वल होगी थी 24 24, तो इन्हें कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है भाई क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो आप इस तरीके से निकालिए, कहता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए तो ऐसे करिए, 5 3 4 जितने भी निकलवा रहा है इस तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। यह कह रहा कि भाई इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए, तो आप इन्हें डिवाइड करके सो इनके लोवेस्ट टर्म में जाकर देख सकते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है जी। तो ये तो होगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब है जी लोवेस्ट टर्म में चेंज करना, कोई फ्रैक्शन दे दिया आपको, मान लीजिए आपको 15/20 दे दिया और कह रहा कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, इसे लोएस्ट फॉर्म में लिखिए, इसे रिड्यूस कीजिए, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इनका एस सी एफ लेंगे, हमने कहा था आपको एस सी एफ लेने आने चाहिए, तो जो भी बड़ी डिजिट होगी उसे छोटी डिजिट से डिवाइड कर देंगे, 15 × 15 ये डिवाइड मेथड है एस सी एफ का। अगर आप एस सी एफ नहीं आते तो आप एस सी एफ वाली वीडियो ज़्यादा देख सकते हैं, तो यहाँ 5 रह गए है जी, जो भी पैरा डिवाइजर है उसे उसके रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, 5 3 = 15 तो एस सी एफ क्या आ गया, एस सी एफ जिससे लास्ट में डिवाइड होता है वही एस सी एफ होता है, तो हम इसे 5 इसका एस सी एफ है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 3 = 15 5 4 = 20 देखो ये अपने लोएस्ट टर्म में आ गया, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, रिड्यूस हो गया, है ना। तो 3 प्राइम नंबर है और 4 ये एक प्राइम नंबर है एक इवन नंबर है ना, तो अगर कोई प्राइम नंबर इवन नंबर आता है तो वो अपने लोएस्ट टर्म में होता है, या को प्राइम नंबर होता है जिनका एससीएफ 1 होता है, या फिर कंटी कॉन्सेक्टिव नंबर होते हैं, है ना। कॉन्सेक्टिव नंबर क्या होता है, जो एक के बाद एक आते हैं लगातार आने वाले नंबर है, तो 3 4 लगातार आने वाले नंबर है, जो लगातार आने वाले नंबर होंगे उनका सबका एससीएफ 1 होगा, तो आप देख सकते हैं वही अपनी लोएस्ट टर्म में होते हैं, या फिर प्राइम नंबर के साथ हो, कोई भी नंबर प्राइम नंबर के साथ है तो वो भी अपने लोएस्ट टर्म में है, तो उसका भी एससीएफ 1 आएगा, ठीक है। तो जिसका एससीएफ 1 अगर इसका एससीएफ 1 आ जाता तो ये पहले से अपने लोएस्ट टर्म में था, ऐसे डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं थी। तो स्टूडेंट आप समझिए कि लोएस्ट टर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस करना क्या होता है ना। तो ये तो होता है ये, अब ये भी काम आने वाला है आगे जब हम क्वेश्चन निकालेंगे तो ये उसकी इसकी जरूरत होगी, है ना। अब हम देख लेते हैं कि भाई कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, ये जरूरी है समझना क्वेश्चन करने से पहले,
कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देगा हमेशा। क्या भाई? हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देगा और हमें उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिनका एन बड़ा होता है डी छोटा होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया, इसे कह रहा कि इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज दे दीजिए। ठीक है जी, तो ऐसा मिक्स फ्रैक्शन में करने का मतलब है हम इसे डिवाइड करेंगे। देखो हमेशा न्यूमिनेटर को डेनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, 5 × 7 = 35। ठीक है, बच गया बात। तो ऐसा डिवाइड करना होता है, अगर किसी भी इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बदलना तो हम इस प्रकार ही करेंगे। अब देखो ये जो आंसर आएगा वो हमारा होल बनेगा और ये हमारा एन बनेगा न्यूमेरेटर, ये हमारा डी बनेगा। ओके स्टूडेंट, जो आंसर आएगा वो होल बनेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो न्यूमिनेटर बनेगा, जिससे डिवाइड करा वो डेनोमिनेटर बनेगा। ठीक है, तो अब इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले होल लिखते हैं सेमी, इसके बीच में बीच एक लाइन खींचते हैं, जो एन आया उसे लाइन के ऊपर लिखते हैं और जो डी है उसे यहाँ लिखते हैं। तो देखो ये होल में बदल गया, ये आंसर। कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो हम उसे इस तरह प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे? जब भी कोई आंसर आएगा फ्रैक्शन का, कभी भी हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे। जो भी आंसर आएगा उसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना ही होगा। ओके स्टूडेंट, अब 1/5 है तो ये पहले से ही अपनी प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अगर कोई भी मिक्स फ्रैक्शन आएगी तो वो अपने लोएस्ट टर्म में भी होनी चाहिए, प्रॉपर तो होनी चाहिए और लोएस्ट टर्म में भी होनी चाहिए। तो हम इसे काट के इसकी लोएस्ट टर्म में चेंज कर लेते हैं। अगर 5 / 5 भी किसी से डिवाइड नहीं होता, 1 भी नहीं होता, तो ये दोनों प्राइम नंबर है तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको पता चल गया। अब इसका चेक देख लीजिए, CHECK। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसे चेक कैसे करें कि यह सवाल आंसर सही आया नहीं आया, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? W × D + M/D, W फॉर होल, D फॉर डेनोमिनेटर, M फॉर न्यूमिनेटर, D फॉर डेनोमिनेटर। तो W कितना है हमारा 7, D कितना है हमारा 7, D कितना है जी 5, M कितना है 1, डी कितना है 5। ठीक है जी, अब 5 × 35 + 1/5, 36 × 1 = 37/5 है। फाइव मल्टीप्लाई सेवन इक्वल टू 35 है ना, और 1 = 36। तो क्या आंसर होगा? 36/5। और देखो यही था, अगर इन्हें सोल्व करने के बाद ये आंसर आ जाए यही, तो आपका सवाल, आपने जो क्वेश्चन किया वो सही है वरना गलत है, ये इसका चेकिंग वे है। तो स्टूडेंट इसी चेकिंग वे को होल रिमूव करना भी कहते हैं, जो चेकिंग वे है इसी चेकिंग वे को होल रिमूव करना भी कहते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है जी, तो तीनों इसी में ही हो गए हमारे, होल रिमूव करना भी हो गया है ना, और जी इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना भी होगा, और मिक्स्ड को, ये मिक्स्ड थी इसे हमने इम्प्रॉपर में बदल दिया है ना। चलो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ही समझा रहा है ना।
और लिखेंगे कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो आपको मिक्स फ्रैक्शन देगा, मिक्स फ्रैक्शन ही हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होंगी। तो मान लीजिए ये दे दिया 10 होल 7 अपॉन 5 है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहले ये ही करने होते हैं, उसके बाद यहाँ फ्रैक्शन कर सकते हैं, फ्रैक्शन के फोर ऑपरेशन होता है, ये कर सकते हैं। देखो ये क्या है, आज हम आपको इसका फॉर्मूला बनाना सिखा रहे हैं, आप फॉर्मूला बनाना सीख लीजिए। क्या फॉर्मूला है, देखो ये होल है तो यहाँ आप W लिखेंगे, मल्टीप्लाई D के साथ होती है, ठीक है, प्लस N होता है न्यूमरेटर अपॉन D होता है, ये फॉर्मूला है। हाँ, होल डेनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, तो यानी क्या देख लीजिए, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी 5 10 5 का 50 और ये प्लस होगा 57 हो जाएगा 57 अपॉन 5। तो W कितना हमारा 10, D कितना 5, N कितना 7 अपॉन 5, 10 5 का 50 प्लस 7 अपॉन 5 इज इक्वल टू 57 अपॉन 5। तो आ गया आपका टाइम, आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे आया, क्योंकि n हमारा बड़ा है, d हमारा छोटा है। अब इसे चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही आया क्या, CHECK चेक। तो स्टूडेंट ये जो हमारा है 57, इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 जीरो बच के उतार लिया 7, तो स्टूडेंट ये चेक सही नहीं हो रहा है। तो देखिए हमसे गलती कहाँ है, कभी कभी हमें अपनी गलतियों से भी अपनी भूल को सुधार लेना चाहिए और उससे एक सबक लेके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है जी। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो हमारे मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन थी वो क्या थी, कि कोई भी होल नंबर और प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, हमने यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही लिखी पहले से। तो ये जो हमारा हमने 10 होल 7 अपॉन 5 लिखा ना, ये ही गलत है ना। तो ये हमारी फ्रैक्शन ही गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि जो हमारी डेफिनेशन थी, आप डेफिनेशन देख लीजिए जाके, उसमें होल तो कुछ भी हो लेकिन जो फ्रैक्शन होनी चाहिए वो इम्प्रॉपर नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसे चेंज कर लेंगे, ठीक है जी, इसे दोबारा रिमूव कर देंगे और दूसरी फ्रैक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो जी स्टूडेंट हमने यहाँ पे जो ये लिखा था इसे हमने मिटोए है ना, तो हमने यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। तो 10 होल 3 अपॉन 5 आ गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ हम 3 कर देंगे, है जी, 50 हो जाएगा, यहाँ भी हम 3 कर देंगे और यहाँ भी हम 3 लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, फाइव इन फाइव जी उतार लिया, 3 कम है, चलती नहीं, अप्लाई नहीं होता टेबल, तो लगा दी जी, ठीक है जी। अभी हमारा होल है, ये हमारा एन है,
ये हमारा डी है, तो लिख लीजिए टेन होल 3/5। देखो आ गया ना यही, तो ये हमारा चेकिंग भी था। अगर आप इन्हें चेक करके देखना चाहें तो इस प्रकार आप इन्हें चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना आ गया है ना, और आपसे लोएस्ट नंबर आगे स्टैंडर्ड फॉर्म आगे रिड्यूस आ गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई, ठीक है। जो भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन करने से पहले जरूरी था वो आ गया है ना। तो कुछ दो एक बात हो रही, उन्हें वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो ये मिक्स फ्रैक्शन होती है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना होता है पहले, तो उसके बाद ही आप प्लस माइनस उसके बाद ही आप प्लस कर सकते हैं, उसके बाद ही आप माइनस कर सकते हैं, उसके बाद ही आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये होल रिमूव करना आना चाहिए, और ये सही तरीके से रिमूव, ठीक है। तो आपसे होल रिमूव करना, होल सोल्व करना या होल हटाना है ना, तो ये सब आपसे आ गया होगा है ना। कोई भी मिक्स फ्रैक्शन को जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें तो उसके होल खत्म हो जाते हैं, हट जाते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। रिसिप्रोकल और वाइस वर्सा, देखो वाइस वर्सा और रिसिप्रोकल एक ही चीज है, दोनों है ना, एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे वाइस वर्सा हम ज्यादातर सुनते नहीं है ना, तो कभी कभी अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई वो वाइस वर्सा चीज है ना, तो हम सोल्व नहीं कर पाते, सोचते हैं पता नहीं ये क्या हो गया है ना। तो अब इन्हें दोनों को समझ लीजिए, दोनों एक ही बात है। अगर कुछ भी लिखा है तो आपको एक ही तरीके से करना है। रिसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे आपको कोई फ्रैक्शन दे दी गई 10/5 दे दी, कह रहा कि सर रिसिप्रोकल कीजिए। जब भी आप डिवाइड करते हैं, ध्यान दें, जब भी आप डिवाइड करते हैं तो आपको रिसिप्रोकल करना होता है। कहाँ पे करना होता है, जब आप डिवाइड करते हैं, बस आपको रिसिप्रोकल की आवश्यकता कहाँ होगी, जब आप डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे आप, रिसिप्रोकल का मतलब है उल्टा क्रम, उल्टा कर देना है, है? जैसे ये हमारा एन है, ये डी है, तो यहाँ डी कर देना और यहाँ एन कर देना है ना, डी को एन बना देना और एन को डी बना देना, जैसे 5/10, तो ये रिसिप्रोकल हो गया, इसे ही वाइस वर्सा कहते हैं। ओके स्टूडेंट, क्या कहते हैं इसे, वाइस वर्सा। जैसे 25/75 है, तो 75 ऊपर आ जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, बस ये से ही रिसिप्रोकल बोलते हैं। समझ में आई बात, अगर आ गई तो आप जो भी डिवाइड के क्वेश्चन है उन्हें ठीक कर लेंगे। अगर नहीं, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप सारे डिवाइड के क्वेश्चन गलत करेंगे है ना, और करते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, हमने खुद देखा है कि वे रिसिप्रोकल नहीं करते, जब डिवाइड करते हैं सीधी मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर गलत आता है, ठीक है। तो जी अब जो भी फ्रैक्शन के बारे में जो भी मेन मेन बातें थी और जो बहुत आवश्यक थी वे हमने आपको सिखा दी। अगर आपसे ये सारी चीज़ें आ गई, आप इन्हें एक बार करके देखें है ना, तो आपको फ्रैक्शन बहुत आसान लगे। अब हम आपको सिखाते हैं जिससे 80% आपके फ्रैक्शन के जो भी क्वेश्चन है वे सोल्व हो जाएंगे है ना। अब जो सिखा रहे हैं इसमें हम सिखा रहे हैं आपको लाइक फ्रैक्शन। व्हाट इज द लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन हम आपको बता चुके क्या होता है ना। फिर भी हम देखो लाइक फ्रैक्शन से हमने आपको बताया था, अगर आप लाइक फ्रैक्शन जानते हैं तो आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, असेंडिंग कर सकते हैं, डिसेंडिंग कर सकते हैं और कंपेरिजन कर सकते हैं है ना।
और लाइक फ्रैक्शन तो कर ही सकते हैं, किसी भी अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो अब हम आपको वो सिखा रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट ध्यानपूर्वक अगर आपने ये सीख लिया तो आपके 80% फ्रैक्शन सॉल्व हो गई, आ गई आपसे करनी अगर आपने सीख लिया। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है 6/15 / 8/80। सबसे पहले आपको कहा गया है, क्या कहा गया है कि इन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करो। अगर ये 15 है, यहाँ भी 15 ही होना चाहिए था, यहाँ 18 है तो यहाँ भी 18 होना चाहिए था, डेनोमिनेटर सेम होने चाहिए तब ये लाइक फ्रैक्शन है। तो आपको क्या करना है, इन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है जी, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको यहाँ भी 18 करना होगा या यहाँ आपको 15 करना होगा, दोनों एक जैसे होने चाहिए, या कोई तीसरी डिजिट लिख लेनी चाहिए जो यहाँ भी हो यहाँ भी हो। ठीक है, तो ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज करे हो जाएंगे। हम या 3 या 4 नंबर भी ले सकते थे, 4 फ्रैक्शन ले सकते थे, लेकिन जो हम सिखाना चाहते हैं उसके लिए 2 नंबर हमें लेने होंगे। वैसे जो ये रूल है ये 4 पे भी 5 पे भी कितनी फ्रैक्शन ले लो सब पे काम करेगा। तो हम आज आपको इसमें सिखा रहे हैं एलसीएम के मेथड से किसी भी फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना। ठीक है, बस यही समझना है आपको किस तरह किसी भी फ्रैक्शन के ग्रुप को हम उसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमने 2 डिजिट इसलिए ली सिर्फ क्योंकि हम इन्हें माइनस करना भी सिखाना चाहते हैं, और जो प्लस जो माइनस होता है वो 2 से अधिक डिजिट में नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो इसलिए हमने 2 ही ली। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, अगर दोनों अगर आप प्लस कर रहे हैं, लाइक प्लस प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, असेंडिंग कर रहे हैं, डिसेंडिंग कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है क्या ये लाइक फ्रैक्शन है। अगर है तो फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको एलसीएम नहीं लेना, फिर आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट हो जाएंगे। अगर नहीं है तब की बात करते हैं, है ना। अगर दोनों लाइक फ्रैक्शन में नहीं है, सबसे आप पहले ये देख लीजिए लाइक फ्रैक्शन में नहीं है तो हम इनका एलसीएम लेंगे। प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, कंपेरिजन कर रहे हो, असेंडिंग डिसेंडिंग सबके लिए एक ही नियम है, या माइनस कर रहे हो, सबसे पहले अगर अनलाइक है तो आपको क्या करना, एलसीएम लेना सबके लिए। तो एलसीएम यहां बराबर में ले लेंगे 15। हमने कहा था आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, अगर नहीं आना चाहते तो सबसे पहले आप एलसीएम लेना सीखिए, हमारी वीडियो है एलसीएम की स्टूडेंट वो जाकर देख लीजिए। अब देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, क्या इनमें कोई भी नंबर है, यस 18 इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होते हैं सभी इवन नंबर, 2 से डिवाइड कीजिए। देखिए 2 के टेबल में क्या 15 आता है, नहीं आता तो हम इसे सेम का सेम लिख देंगे। ठीक है, 2 के टेबल में 18 आता है, कितने टाइम पढ़ के आता है, 9, तो यहाँ 9 लिख दीजिए। अब कोई 2 के टेबल में आ रहा है इनमें से, नहीं आ रहा, तो हम 3 के देखेंगे, 15 3 के टेबल में आता है, यस 3 5 15 और 3 3 9, यहाँ को मैं जरूर लगाएंगे। अब दोनों ये भी प्राइम नंबर आ गए 5 भी और 3 भी, तो हम पहले 3 से ही करेंगे, 5 सेम का सेम लिख देंगे क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता, अब 5 से करेंगे। अब जब सबका मन मन यहाँ आ जाए तो आपका क्वेश्चन एलसीएम का खत्म हो गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी, कर लिया। अब 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे जो भी नेक्स्ट डिजिट होगी, 2 3 6, अब यहाँ 6 आ गया, अब 6 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे, 6 3 18 है जी, अब 18 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, अब तो कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। अगर स्टूडेंट आपसे 18 का टेबल नहीं आता तो 18 5 आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 8 40 कैरी 4 5 5 और 4 9 90 हो,
तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, यहाँ लिखो एलसीएम, लिखना आप सब है। तो स्टूडेंट ऐसे आप एलसीएम लेंगे सबका, चाहे आप प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, असेंडिंग कर रहे हैं या डिसेंडिंग कर रहे हैं, तो आप सबका एलसीएम ऐसे लेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस जो भी एलसीएम आएगा उसे यहाँ पर लिखेंगे, इसके बीच में बीच लाइन खींच के इसके दो लाइन छोड़ के यहाँ से लाइन खींच लेंगे, एक लाइन ड्रा कर लेंगे और यहाँ पे जो भी एलसीएम आएगा उसे लिख देंगे। एलसीएम क्या है स्टूडेंट, इन दोनों डेनोमिनेटर से एलसीएम पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, कोई भी रिमाइंडर शेष ना बचे, ठीक है। तो आपका एलसीएम सही है वरना गलत है। अगर इनमें रिमाइंडर बच रहा है, इससे डिवाइड नहीं हो रहा कोई सी डिजिट से भी, तो आपने एलसीएम गलत लिया, आप एलसीएम की जांच कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुने, जो डेनोमिनेटर है इस डेनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे ऐसे, फिफ्टीन सिक्स 90, तो क्या आंसर आ गया, 6 आ गया डिवाइड करके, तो 6 को यहाँ लिखिए। डेनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे और जो ऊपर न्यूमिनेटर है उसके साथ में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी, यहाँ कॉमा लगा देंगे, ओके। अब जो जो क्रिया जो काम हमने इस फ्रैक्शन के साथ किया पहले की, वही हमें दूसरी के साथ करना हो। अब इस 18 से 90 को फिर डिवाइड करेंगे, है ना, 5 जो चला लो, ये हमने भी चलाई थी 90 को, है ना स्टूडेंट। तो अब यहाँ 5 को यहाँ लिख देंगे और इसकी मल्टीप्लाई 8 के साथ कर देंगे, ठीक है। ध्यान दे, जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम से, उस एलसीएम को इन दोनों या तीन चार जितने भी हैं उन सबसे डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ करनी है, ठीक है जी। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस आपको यही समझ में आना चाहिए इतना, एलसीएम से लेकर यहाँ तक। आप देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई है, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ लिख देंगे, 6 6 36, और 90 सबका जो एलसीएम होता है वो सबका डेनोमिनेटर होता है। अब आप 8 5 40, तो देखो यहाँ भी 90 आएगा यहाँ भी 90 आएगा, तो आपको लाइक फ्रैक्शन करनी आगी, सभी के कोई सी भी डिजिट है चाहे कितना भी है, चार अगर यहाँ दो तीन और आगे फ्रैक्शन उनका भी ऐसे ही करना है, ऐसे यही प्रक्रिया होती है। अगर आपसे इतने क्वेश्चन आ गए, अगर आपसे इतना सोल्व करना आगा तो आपसे प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, असेंडिंग भी आ गया, डिसेंडिंग भी आ गया और कंपेरिजन भी आ गया, ठीक है जी। तो इतने सारे क्वेश्चन आपसे एक ही बरके में आ गए, वैसे से आपसे लाइक फ्रैक्शन करनी आ जानी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं, इन दोनों के 90 90 हो गए, सेम हो गए, तो भाई ये हो गया। अब एक एक क्वेश्चन सोल्व होगा, लाइक फ्रैक्शन आगा। अब स्टूडेंट अगर ये कहता है आपको कि भाई इसे क्या करो, इसे प्लस करके दिखा दो, भाई ये हटा दो यहाँ से, एक मिनट को यहाँ प्लस का निशान लगा दो, कि भाई ये क्वेश्चन है आपका, इसे मुँह कह रहा कि प्लस करो, तो ये सारा काम आपको नुक्कड़ नहीं करना यहाँ तक का। तो फिर आपको क्या करना, इन दोनों को ऐड कर देना, 36 और 40, 6 और 7, तो कितना आ गया, आ गया। तो स्टूडेंट ये प्लस का हो गया हमारा, है ना। अगर ये कह रहा कि नहीं भाई ना इनमें कंपेरिजन करो, तुलना करो, है, तो देखो फिर तो कौन बड़ा है, 40 बड़ा है 36, तो 40 बड़ा है तो 40 की तरफ आपने कंपेरिजन कर दिया, है ना। या कह रहा है कि ना सेंडिंग डिसेंडिंग में लिखो, है ना, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो पहले नंबर पे ये आओगी, दूसरे नंबर पे ये आओगी और होती में तीसरे नंबर पर, इसी आधार पर आपकी चुनिंग। डिसेंडिंग इसका उल्टा हो जाता, डिसेंडिंग करना था तो पहले ये आ जाती और
ये 36 हो जाता है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है, है ना। पहले बड़ी फिर उससे छोटी, बाद में सबसे छोटी, ऐसे आती है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको इसे माइनस करना, इसी क्वेश्चन को माइनस करना तो आप यहाँ से माइनस कर दो, 40 में से 36 गए, कितने बचे 4 upon 19। तो स्टूडेंट जो आंसर आया वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा, आप देख रहे हैं, प्लस का जो आंसर आता है वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा, ये माइनस का भी प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है ना। अगर ये अपने लोएस्ट टर्म में नहीं है तो हम इनके लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं, ठीक है, ये आगे का प्रोसीजर है। तो स्टूडेंट हमने आपको एक ही क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके दिखाया, कंपेरिजन करके दिखाया, लाइट फ्रैक्शन में करके दिखाया, इसे ही प्लस में करके दिखाया, और इसे ही माइनस में करके दिखाया, और इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग भी करके दिखाया, है ना। तो एक आपसे देखो, जब सारे क्वेश्चनों में ये यहाँ तक का प्रोसीजर एक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप कुछ भी कर ले। तो अगर आपसे ये करने आ गए, इतना ये काम करना होगा, आगे का काम तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये है, जो भी होगा वो आप सारे कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपके लाइव फ्रैक्शन बनाने अगर आपसे आ गए तो आपके 80% फ्रैक्शन जो क्वेश्चन है वे सारे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, अगर इसमें कुछ रह गया तो जब हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे तो उस वक्त सारी कंप्लीट होती ही चीज है ना। तो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है जी। और अगर कोई आपको कमी पेशी लगती है या कोई और सुधार की आवश्यकता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।